हाय गाइस, मेरा नाम है मारुष। मैं क्लास 5th D भारती भवन भारती मेहता विद्यालय स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने पेपर नंचक्स बनाने जा रहा हूँ। आपने कुछ चाइनीज मूवीज में देखा होगा कि अब कोई विलन नहीं तो कोई सुपर हीरो पेपर नंचक यानी नंचक से खेल रहा यानी प्ले कर रहा होता मूवीज में। आपने ज़्यादातर चाइनीज मूवीज में देखा होगा, अगर आपको पता ना हो तो मैंने आपके लिए बता दिया है, जिनको नहीं पता है आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बहुत सारी अगर आपके घर में जैसे कि कोई प्रिंटर अगर आपने कुछ प्रिंटआउट्स लिए हैं, और अगर आपके घर में जैसे कि आप कुछ पेपर्स को ऐसे आपके कॉपी से जो फट के निकल जाती है, आप उन पेपर्स का जो वेस्ट होते हैं, उन पेपर मैंने बहुत सारी पेपर्स लिए हैं। अब मैं इसमें एक पेपर लूँगा और उसमें मैं थोड़ा सा ग्लू लगा दूँगा। हमें ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है क्योंकि पेपर गीला हो जाएगा। अब मैंने ये लगा दिया है। अब मैं दूसरे पेपर को लूँगा और इसको भी सही से चिपका लूँगा। आप देख सकते हैं, आप ये पूरी वीडियो देखें। अगर आपको सही से समझना है तो आपको ये पूरी वीडियो देखें। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अब आप देख सकते हैं ये पेपर थोड़ी सी थिक हो गई है। अब मैं ज़्यादा ग्लू ना लगाए क्योंकि गीली हो जाएगी वो। अब मैंने फेविकॉल की बोतल की मदद से इसको थोड़ा सा सर्कल शेप में इसको थोड़ा सा वो हाफ कर लूँगा। अब मैंने इसको एक कैंची की मदद से मैं इसको काट लूँगा। अब मैंने इसको काट लिया है, हाफ पेपर आ चुका है। अब जो हमारा हाफ पेपर है उसको मैं फोल्ड कर दूँगा, हमें उससे भी हाफ चाहिए। अब मैं इसको भी कैंची की मदद से काट लूँगा। अब मेरे पास, आप देख सकते हैं, मेरे पास ये हाफ स्केल है यानी पतली स्केल है। अब जो हमारी जो हाफ पेपर है उसको भी मैं पहले हाफ कर लूँगा। अब मैं कैंची की मदद से इसको भी काट लूँगा। अब मैंने इसको काट लिया। अब जो हमारी पतली स्केल है उसको मैं जो हमारा पेपर है उसको मैं एक आइसक्रीम स्टिक के जैसे शेप दे दूँगा। अब मैं इसमें ग्लू लगा के इसको एक स्टिक जैसा बना दूंगा। अब मैंने इसको स्टिक टाइप का बना दिया। अब मैं इसमें ग्लू लगा लूंगा। आपको बस थोड़ा सा ग्लू लगाना, ज़्यादा ना लगाए आप। अब मैंने ये 8 स्टिक्स बनाई है, आप देख सकते हैं मैंने टोटल 8 स्टिक्स बना ली है पेपर के मदद से। अब जो हमने जो रोल बनाई थी अब हम उस पर आएंगे। जो हमको एक स्टिक लेनी है जो हमने बनाई थी, अब हमें उसको जो रोल के साइड में हमें ग्लू के मदद से इसको चिपका लेना है। अब मैंने इसको चिपका लिया है।
अब जो हमारी जो ग्लू की बोतल की ढक्कन है उसके मदद से हम लोग उसको एक कर्व शेप दे देंगे। अब मैंने इसको कर्व शेप देके अब मैं इस पे ग्लू लगा के इसको भी चिपका लूँगा। अभी मैंने चिपका लिया। अब हम दूसरा ये स्टिक लेंगे और वैसे ही हमें इसको भी कर्व शेप देना है ग्लू के बॉटल के ढक्कन से। अब मैं इसको भी ग्लू के मदद से चिपका लूँगा। हमें एक चेन टाइप का बनाना है। अब अगर आपको अगर ये जो चेन है बार बार ये निकल जा रही है ग्लू अगर ये ग्लू के मदद अब हमें जो स्टेपल लेना है और इसको थोड़ा सा हार्ड करना है अगर ये निकल जाती है तो बार बार। अब मैंने इसको भी स्टेपल से जहाँ जहाँ मैंने ग्लू से जॉइंट किया था वहाँ मैंने स्टेपलर की मदद से स्टेपल कर लिया है ताकि ये बार बार निकले ना।